चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मार्केट पाठशाला के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक डेढ़ महीने से मार्केट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसलिए हमारे पास कुछ लोगों के सवाल ऐसे आए कि सर, मार्केट नीचे जा रही है तो हमने जो अपने स्टॉक लिए हैं उनका हम क्या करें। कुछ स्टॉक हमारे प्रॉफिट में हैं, कुछ स्टॉक हमारे लॉस में आ चुके हैं, तो हम कैसे मैनेज करें इनको? क्या वो प्रॉफिट वालों को भी काट दें, लॉस वालों में एवरेज करें, या क्या करें? हमें समझ में नहीं आता। थोड़ी सी हमें डायरेक्शन दीजिए कि मार्केट अगर आने वाले 2-4-6 महीने में भी नीचे जा सकती है जैसा आपने कहा है, तो हम अपने सारे माल काट दें, क्या करें हम? ये उनको समझ नहीं आ रहा। तो आज के वीडियो में समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर या इस गिरावट को लेकर, लेकिन मैं आपको एक सिस्टम दे सकता हूं कि कभी भी ऐसा फ्यूचर में हो तो आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट से। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो सौदे, जो ट्रेड आपने लिए हुए हैं, क्या वो ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे, क्या वो फ्यूचर में है, या आपने डिलीवरी ले रखी है? ये सब चीजें इन बातों पे डिपेंड करेंगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी हम ट्रेडर की बात नहीं करेंगे जो F&O में काम करता है या ऑप्शंस में काम करता है, क्योंकि उस आदमी के लिए किसी तरह के नियम की जरूरत नहीं है। उसका एक ही नियम है कि अगर उसका स्टॉप लॉस कटा तो उसको बाहर निकलना है, टारगेट आया तो उसको बाहर निकलना है। इसलिए ये वीडियो या ये एपिसोड उन लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो डिलीवरी में माल लेके जो रखा है जिन्होंने, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि निकले या ना निकले, ये करेक्शन कितनी लंबी जाएगी। वो हर जगह से काफी तरह की बातें सुनते हैं, 200 डीएम में आ गया है, यहां पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उन लोगों को मैं आज एक सिस्टम दे देता हूं, आप अगर इसके हिसाब से चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी स्टॉक हैं उनको आप 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। अपने पूरे पोर्टफोलियो को 3 कैटेगरी में बांटना है आपको। ये 3 जो कैटेगरी बताया मैंने, ये डिसाइड होंगी उसकी क्वालिटी के हिसाब से या आपके प्राइस, जो आपने एक्वायरिंग प्राइस है आपका लिया है आपने उसके हिसाब से। पहली जो है कैटेगरी, वो मैं कहता हूं क्वालिटी, सुपर क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, और उनको आपने बहुत ही अच्छे रेटों पे कहीं नीचे आज से 1.5-2 साल पहले ले रखा है, उन स्टॉक्स को आपको नहीं काटना है इस करेक्शन में, क्योंकि अभी तक इस करेक्शन ने अपने ज्यादा बड़े होने का संकेत नहीं दिया है। इस करेक्शन ने यह दिखाया है कि ये यहीं कहीं आसपास 2-3-400 पॉइंट नीचे 9,500-9,600 तक रुक सकती है। अभी तक ऐसा लग रहा है, कल अगर चेंज होगा तो हम भी चेंज होंगे। तो अगर यहां से 200-400-500 पॉइंट की करेक्शन और बची हुई है तो आपको ये ए कैटेगरी के जो स्टॉक हैं इनको नहीं काटना है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और आपका रेट बाइंग प्राइस बहुत ही अच्छा है। दूसरी कैटेगरी को अभी हम छोड़ देते हैं, अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी में गिनता हूं जंक, जो कि बिल्कुल कूड़ा स्टॉक्स हैं, जो कि आपने मार्केट के यूफोरिया में खरीद लिए थे कि चलो चल रहे हैं, हम भी ले लेते हैं, पार्टी चालू है, हम भी मौज कर लेते हैं। उस चक्कर में कई बार अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक आ जाते हैं जो कि आपको शायद पसंद ना हो, या आपने किसी के सुनने से ले लिए, या आपने मार्केट के यूफोरिया में आके मूड में आके ले लिए। उन स्टॉक को आपको तुरंत काटना है, तुरंत का मतलब तुरंत, आपको उन स्टॉक से तुरंत बाहर निकलना है, क्योंकि आपके उस पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले शेयर
आज तक भी यही होंगे और आने वाले समय में अगर मार्केट में गिरावट बढ़ी तो भी यही बनेंगे। ये जो तीसरी कैटेगरी जिसके पीछे आपकी कोई रिसर्च नहीं थी, आपने सुन के ले लिया या यूफोरिया में आके ले लिया। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो ए कैटेगरी वाले स्टॉक हैं। ये ठीक ठाक स्टॉक हैं, ठीक ठाक रेट पे आपने ले लिए थे, अभी थोड़े ऊपर चल रहे हैं या थोड़े नीचे चल रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास ये 10 शेयर हैं, कोई भी स्टॉक 10, उसमें से 5-6 जो हैं प्रॉफिट में हैं, 3-4 जो हैं लॉस में हैं, इसी तरह की रेशियो चल रही है। इसमें हम क्या करें? इसके अंदर आपको एक काम करना है, आपको ये करना है कि आपको इन सारे स्टॉक्स के अंदर से कम 50% का प्रॉफिट या 50% क्वांटिटी काट देनी है अगर आपको लगता है कि ये मार्केट की करेक्शन यहां से और भी बढ़ रही है आने वाले दिनों में। यानी कि मान लेते हैं ये टोटल जो शेयर हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर 40% हिस्सा है, तो इसमें से आपको आपकी क्वांटिटी हाफ कर देनी है स्ट्रेट अवे। इसको आधा काट दीजिए, आधा अपने पास रखिए। अब जो क्वांटिटी आपने आधी काट दी उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको लॉस हो रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा, तो आपका लगभग वो बैलेंस हो गया। अब ये क्वांटिटी आपने परमानेंट नहीं काटनी है, इसको आपने अपने ध्यान में रखना है कभी भी आगे लेने के लिए। उसका सिस्टम क्या है वो भी आपको दे देता हूं। अब ये जो बी कैटेगरी वाले स्टॉक हमारे पास रह गए हैं जिनमें से हमने 50% क्वांटिटी जो है वो काट दी है, इस 50% को भी आपको हमेशा दोबारा लेने के लिए अपने को तैयार रखना है। जब आपको आने वाले भविष्य में ऐसा दिखता है कि मार्केट कहीं से टर्न कर रही है या ये करेक्शन आने वाले 2-4-6 महीने में खत्म होने वाली, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक लाइन लगानी है। हाँ जी दोस्तों, एक लाइन लगानी है अपने दिमाग में। मान लेते हैं एक स्टॉक इसके अंदर से ऐसा था जो आपने काट दिया 300 रुपए के रेट पे, तो आपको अपने दिमाग में एक लाइन लगा लेनी है कि 300 रुपए ये स्टॉक का जो रेट मैंने जिसको बेच दिया 300 रुपए में, जब तक ये इसके नीचे रहेगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा, जिस दिन ये इसके ऊपर आएगा इसको मैं बाय करूंगा, जिस दिन इस रेट के ऊपर आएगा उस दिन मैं इसको लूंगा। अब वो रेट 300 हो सकता है, 310 हो सकता है, 305 हो सकता है, वो आप देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का एरिया, कि ये एक लाइन मैंने लगा दी अपने दिमाग में, जब तक इस स्टॉक उसके नीचे है तब तक मैं इसको नहीं लूंगा, इसके ऊपर आएगा मैं इसको लूंगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि वो स्टॉक उसके ऊपर आएगा, आपने उसको बाय किया, वो फिर उसके नीचे चला जाएगा, यहां पर आपको उसको दोबारा बेचना है। हो सकता है वो दोबारा ऊपर आए, फिर आपको दोबारा बाय करना है, वो फिर नीचे चला गया, फिर आपको काटना है। ऐसे हो सकता है 2-3 बार आपकी वो लाइन कहीं से आई हुई नहीं है, वो लाइन कोई एवरेज नहीं है, वो लाइन कोई सपोर्ट नहीं है, वो लाइन आपने अपने दिमाग में बना ली, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई भी है, अपने दिमाग में एक लाइन बनाओ कि इसके ऊपर वो स्टॉक मेरा और इसके नीचे वो स्टॉक तेरा। तेरा का मतलब मार्केट का, मार्केट से बात करो, मार्केट को बोलो कि इस लाइन के नीचे स्टॉक तेरा और इस लाइन के ऊपर स्टॉक मेरा, जब जब ये इस लाइन के नीचे जाएगा मैं तेरे को दे दूंगा और जब जब ये लाइन के ऊपर आएगा मैं ले लूंगा। मार्केट से तू तड़ाक में बात करो, इस लाइन के नीचे तेरा, इस लाइन के ऊपर मेरा। हर स्टॉक के अंदर जो आपने काट दिए हैं उनको परमानेंट नहीं काटना है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, आपने चुन के लिए थे और आप मार्केट की करेक्शन में एक बार अपने को सेफ साइड पे रख के चल रहे हो। आप 50% की जगह 60% भी काट सकते हैं, 70% भी काट सकते हैं, 40% भी काट सकते हैं, ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी स्टॉक आपने काट दिए उन स्टॉक के एक लाइन लगा लीजिए। ये वो तरीका है दोस्तों जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। जो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मुझे काटना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस स्टॉक को बहुत चाहता हूं, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात और भी जानता हूं कि मार्केट की करेक्शन में दोस्तों सब कुछ गिरता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वहां पर हमको सिर्फ एक कैटेगरी के जो स्टॉक हैं जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है
वो अपने पास रखना है, बाकी बी आधा काटना है, 75% काटना है और सी को तो बिल्कुल घर से बाहर निकाल देना है। आपने बी को अगर 60-70% काट दिया तो आप सेफ साइड पे हो। अब कहीं पर भी आपको नीचे की तरफ ऐसा मिला कि जहां आप उसको ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो तब भी आपको लेना है, या अगर आपके बेचने के 2 महीने बाद ही आप देखते हो कि ज्यादा नीचे वो नहीं गिरा और वो वहीं से घूमने की कोशिश कर रहा है, तो वो लाइन जो आपने अपने दिमाग में बनाया है वो आपके काम आएगी। वो अगर स्टॉक आपने 2-3 बार भी ऐसे कर लिया या आपसे 2-3 बार भी ऐसे हो गया कि ऊपर गया नीचे आया, आपको हो सकता है इसमें 5-10 रुपए का लॉस हो जाए, लेकिन जब तक वो स्टॉक इसके नीचे रहेगा आपको उसको लेना नहीं है। हो सकता है ये 300 वाला स्टॉक कल यहां से 200 हो जाए, और अगर वो लाइन के ऊपर आया तो लेना जरूर है आपको, क्योंकि हो सकता है उसके बाद ये यहां से निकल के 700 रुपए पहुंच जाए। इसलिए यहां पर दिए हुए 5-10-20 रुपए ऊपर नीचे के आपको बाद में जाके दुख नहीं देंगे, जब आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आपको कितना ज्यादा लॉस हो गया होता या आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट आ सकता था जो नहीं आया। तो मेरे उन दोस्तों के लिए यह सलाह है जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सर मार्केट डाउन जा रही है, हमारे स्टॉक प्रॉफिट लॉस दोनों में है, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। आपको आज यहां मैंने क्लियर कट एक सिस्टम दिया है जो मैं इस्तेमाल करता हूं अपने लिए। ए कैटेगरी के स्टॉक बिल्कुल नहीं काटने, सी कैटेगरी को घर से बाहर निकाल दीजिए, और जो बी कैटेगरी है उसमें से कुछ क्वांटिटी काटिए, उस क्वांटिटी के ऊपर अपने दिमाग में एक लाइन बना लीजिए कि इस लाइन के ऊपर मेरा, इस लाइन के नीचे तेरा। उस लाइन के नीचे जब तक वो स्टॉक रहेगा आपको नहीं लेना, चाहे 6 महीने चाहे 6 साल। अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ आने लगे तो आपको वहां पे छोड़ना नहीं है वो स्टॉक, या लाइन के नीचे आपको उस कंडीशन में लेना है जब आपको लगे मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई, बॉटम बन रही है और वो स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रहा है, जैसा मैंने अपनी एवरेजिंग वाले वीडियो में कहा था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमने 1-1.5 हफ्ता पहले वो वीडियो डाला था कि आपको एवरेजिंग कैसे करनी चाहिए। उस वीडियो को देखिए, उसमें भी बताया गया है कि आपको एवरेजिंग कैसे और कहां करनी है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नीचे मिलता है अच्छे भाव पे तो लेना है, या उस लाइन के ऊपर आए तब लेना है, वरना उस स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है। ये मैंने आपको इतना सिंपल सरल तरीका दिया है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का कि इससे अच्छा और इससे आसान तरीका आज तक मुझे नहीं मिला। अब एक समस्या उन लोगों के सामने और आएगी जो कि मैं जानता हूं एज अ टीचर, कि वो कहेंगे सर हम क्वालिटी कैसे डिसाइड करें, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो भैया जी, इतनी स्टडी आपको करनी पड़ेगी खुद ही कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ज्यादातर जो मेरे ट्रेडर भाई हैं, इन्वेस्टर भाई हैं, उनको इतना पता होता है, आपको भी मालूम होता है कौन सा जंक है कौन सा अच्छा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी ITC बोलूंगा तो आपको खुद पता है वो कौन सी क्वालिटी का स्टॉक है, और JP बोलूंगा तो खुद पता है वो कौन सी क्वालिटी का स्टॉक है। पता हम सबको होता है, हम अपनी आंखें बंद करके रखते हैं और कई बार हम लालच में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की कि मार्केट जब डाउन साइड पे चल रही हो, आज या आने वाले 2-4 साल में, आगे कभी भी, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ सुधार चाहते हैं वो लिखिए, अच्छा नहीं लगा है वो लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई हमारे पास कुछ ऐसा आएगा जिससे हमें भी हेल्प मिलेगी। आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।